गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न होगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण गोरखपुर के महायोजना को रखा जाएगा और एक महीने तक पब्लिक को आपत्ति का भी अधिकार दिया जाएगा। एक महीने के बाद दोबारा बोर्ड की बैठक में महायोजना को पास करवा दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में जो विकास के कार्य हो रहे हैं या करने हैं, रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण का कार्य, गोरधैया नाले के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, इन सभी योजनाओं की बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी, जिससे गोरखपुर में विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा, बोर्ड में खोराबार योजना, राप्ती नगर विस्तार योजना, पत्रकारपुरम को बढ़ाया जाएगा और गरीब व्यक्तियों के लिए 1 BHK के आवास को बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए 22 अप्रैल को हमारे यहाँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड का बैठक आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में होना है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें महायोजना जो गोरखपुर की बनी है वो महायोजना उसमें रखी जाएगी, और उसको रखने के बाद एक महीने तक आपत्ति सुनवाई का समय पब्लिक को दिया जाएगा, और उसके बाद एक महीने के बाद पुनः बोर्ड की बैठक होगी और उसको महायोजना को पास कराया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा गोरखपुर पूरे शहर में विकास के जो कार्य हो रहे हैं और जो विकास के कार्य हम लोग को करने हैं, जैसे रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, कई योजनाएँ हमें प्लान करनी है। गोरधैया नाले का सौंदर्यीकरण का योजना चल रहा है, उसमें जो आगे चर्चा होगी तो उसमें सभी अधिकारी रहेंगे, कई नई योजनाओं पे चर्चा होगी, और उम्मीद है कि इस बोर्ड बैठक के बाद से जो गोरखपुर में विकास की जो गति है वो और बढ़ जाएगी। सर, इसमें कुछ अतिरिक्त भी जोड़ा जाएगा इस योजना में जो बैठक होगी, सर क्या लाभ मिलेगा? नहीं, जो योजनाएँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आने वाली हैं, जैसे खोराबार योजना लॉन्च होने वाली है, रामगढ़ ताल पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है वो भी और चलने वाला है, राप्ती नगर विस्तार योजना में कई सारी चीज़ें चलने वाली हैं, पत्रकारपुरम योजना जो पत्रकार भाइयों के लिए आई हुई थी उसमें और एक्सटेंशन करने के लिए उस पर चर्चा होगी कि और ज़्यादा उसमें आवास दिया जाए, उस पर भी चर्चा होगी, गरीब व्यक्तियों के लिए 1 BHK के आवास और ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएँ, उस पर भी चर्चा होगी। तो तमाम चीज़ें चर्चा होंगी जब बोर्ड की बैठक होगी, उसमें जो भी चर्चा होगी और जिस पर अनुमोदन मिलेगा उससे आप लोग को अवगत कराया जाएगा।